नमस्कार, मैं राजमोहन तिवारी, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज। कल बिहार में कोरोना के रिकॉर्ड 749 मरीज मिलने के बाद आज कोरोना की अपडेट जो बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट ने जारी की है उसके आंकड़े भी बिहार के लिए अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं। पिछले 24 घंटे में बिहार से कुल 704 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। बिहार में लगातार दो दिन 700 से ज़्यादा पॉजिटिव मामलों का आना यह संकेत कर रहा है कि बिहार में कोरोना ने अपने पांव पसार दिए हैं। अब बिहार में कोई भी ऐसा जिला नहीं रह गया है जहां 100 से ज़्यादा मामले ना हो। बिहार में अब कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 13,978 हो गई है, यानी लगभग 14,000 के करीब बिहार में कोरोना के कुल मामले हो चुके हैं। राजधानी पटना के लिए आज फिर एक बुरी खबर आई है। पटना में आज भी 132 नए कोरोना मामले आए हैं। वहीं वैशाली में भी पिछले 24 घंटे में 73 नए कोरोना मरीज मिले हैं। वहीं बिहार में कोरोना के सर्वाधिक मामलों की संख्या में पटना के बाद दूसरे नंबर पर स्थित भागलपुर की स्थिति पटना के बाद सबसे ज़्यादा खराब होती जा रही है। भागलपुर से 63 नए कोरोना के मरीज आज मिले हैं। अगर पिछले 24 घंटे में अन्य जिलों से मिले कोरोना के नए पॉजिटिव मरीजों की बात करें तो अररिया से 8, अरवल से 5, औरंगाबाद से 7, बांका से 20, बेगूसराय से 44, भागलपुर से 63, भोजपुर से 2, बक्सर से 11, दरभंगा से 4, ईस्ट चंपारण से 11, गया से 10, कैमूर से 3, कटिहार से 4, खगड़िया से 37, किशनगंज से 8, लखीसराय से 8, मधुबनी से 8, मुंगेर से 29, मुजफ्फरपुर से 39, नालंदा से 42, नवादा से 7, पटना से 132, पूर्णिया से 4, रोहतास से 19, समस्तीपुर से 19, सारण से 15, शिवहर से 3, सीतामढ़ी से 1, सिवान से 18, सुपौल से 7, वैशाली से 73 और वेस्ट चंपारण से 23 मरीज मिले हैं। बिहार में कोरोना से खराब होती स्थिति को देखते हुए पहले किशनगंज फिर भागलपुर में 4 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया। उसके बाद पटना में भी 10 जुलाई से 16 जुलाई तक लॉकडाउन लगाया गया है। अगर सबसे ज़्यादा संक्रमित 5 जिलों की बात करें तो राजधानी पटना का नंबर सबसे पहले है। पटना में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 1483 हो चुकी है। दूसरे नंबर पर भागलपुर है, वहाँ पर कुल कोरोना मरीजों की संख्या 756 हो गई है। वहीं तीसरे नंबर पर बेगूसराय है, वहाँ पर कुल कोविड 19 मरीजों की संख्या 639 हो चुकी है। चौथे नंबर पर मधुबनी को पीछे छोड़ मुजफ्फरपुर आ गया है, यहाँ पर कुल कोरोना मरीजों की संख्या 567 हो चुकी है। जबकि पाँचवें नंबर पर मधुबनी है जहाँ कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 561 हो चुकी है। बिहार में कोरोना का चैन फिलहाल टूटता नहीं नजर आ रहा है बल्कि यह बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि घर में रहिए, बेवजह बाहर नहीं निकलिए। अगर जरूरी काम से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क चेहरे पर जरूर लगाइए। कोरोना चेन को तोड़ने के लिए बनाए गए नियमों का पालन कीजिए, सुरक्षित रहिए और बिहार को सुरक्षित बनाइए। खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।